एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको दो स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी, वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे, योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों, वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा।